हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज से हमारे ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। और हमारा आज का सब्जेक्ट क्या है? बिजनेस स्टडी। और बिजनेस स्टडी के अंदर चैप्टर फर्स्ट। अब ऐसे देखा जाए तो बिजनेस स्टडी के अंदर टोटल हमारा पूरा इंडेक्स जो चैप्टर्स का है वो कितना है? इसका अंदर चैप्टर है 12, ठीक है। अब इसका जो चैप्टर फर्स्ट है उसका नाम क्या है? नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब सबसे पहले हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी ये है कि मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? जैसे जैसे हम मैनेजमेंट का पूरा मतलब जान जाएंगे स्टेप बाय स्टेप, हम इसके मैनेजमेंट के नेचर, मैनेजमेंट का सिग्निफिकेंस, मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके ऑब्जेक्टिव, लेवल, फंक्शन एंड फर्दर ऑन आगे धीरे धीरे हम बढ़ते रहेंगे और पूरा चैप्टर हम बहुत जल्दी पूरा कर लेंगे, ठीक है। अब पहला हमें जानते हैं कि मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है। मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। अब मैनेजमेंट का मतलब आप सभी लोग जानते हैं क्या हो सकता है। मैनेजमेंट का मतलब किसी भी चीज़ को मैनेज करना, किसी भी इवेंट को मैनेज करना, या किसी भी काम को मैनेज करना, या किसी भी संस्था को, किसी भी इंस्टीट्यूशन को, ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करना। ये तो हो गया एक सिंपल मीनिंग मैनेजमेंट का। लेकिन अगर हम बिजनेस टर्म में या फिर एक मैनेजर के अकॉर्डिंग, ठीक है, मैनेजमेंट का मीनिंग देखें तो इसका मीनिंग क्या होगा? A deliberate process followed by a manager या manager to achieve organization's goal is called as management, ठीक है। अब यहाँ पे ये definition नहीं है, मैंने ऐसे ही यूनिट कॉमा लगाया, ठीक है। A deliberate process followed by manager to achieve organization goal is called as management, ठीक है। अब इसको हिंदी अगर हम करें तो बहुत सिंपल सी बात है, आप इजीली समझ गए होंगे। एक प्रक्रिया या एक प्रोसेस जो कि मैनेजर ने फॉलो की हो किसके लिए? अपने संस्था के, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को, टारगेट को, लक्ष्य को हासिल करने के लिए, अचीव करने के लिए, उसको हम क्या कहेंगे? मैनेजमेंट कहेंगे। अब यहाँ पे एक जो वर्ड था अगर हम यूज़ नहीं करते तो भी चलता, लेकिन वर्ड का यूज़ करना बहुत ज़रूरी था। वो वर्ड आपका है कौन सा? डेलिब्रेट, ठीक है। अब इसको डायरेक्टली अगर हम ऐसा लिखते हैं प्रोसेस फॉलोड बाय मैनेजर, ठीक है, तो भी चलता है, लेकिन डेलिब्रेट वर्ड यूज करना क्या हो गया? क्योंकि ये वर्ड आपके बुक के अंदर भी दिया है और साथ साथ एक नंबर का क्वेश्चन भी एग्जाम में लास्ट ईयर या फिर उसके पहले आया हुआ है। नेम द डेलिब्रेट प्रोसेस फॉलोड बाय मैनेजर टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल, टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल, ठीक है। एक ऐसे क्या कहता है डेलिब्रेट प्रोसेस का नाम बताएं जो कि क्या कहता है मैनेजर द्वारा इस्तेमाल किया था संस्था गोल को अचीव करने के लिए, उसका आंसर क्या था? मैनेजमेंट, ठीक है। तो डेलिब्रेट का मतलब क्या होता है अगर इंग्लिश में देखें? इंटेंशनली या हिंदी में जानबूझकर, ठीक है। एक ऐसी प्रक्रिया जो मैनेजर अपनी इच्छा से जानबूझकर इस्तेमाल करता संस्था गोल को अचीव करने के लिए, उसको हम क्या कहेंगे? मैनेजमेंट कहेंगे। ये तो हो गया मैनेजमेंट का मीनिंग, ठीक है। अब मैनेजमेंट के मीनिंग के अंदर क्या होता है आगे अगर हम और बात करें मैनेजमेंट को, अगर हम डिटेल में अगर पढ़ें तो मैनेजमेंट कहाँ ज़रूरी है? मैनेजमेंट हर जगह ज़रूरी है। अगर कोई संस्था है वो कोई सा भी काम कर रही हो, कैसा भी काम कर रही हो, संस्था को चलाने के लिए, रन करने के लिए, उसको प्रॉफिट अर्न करने के लिए, अगर उसको आगे बढ़ाने के लिए मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम आगे समझते हैं कि मैनेजमेंट जो है प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जरूरी है, जो प्रॉफिट अर्न कर रही हो, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को, अगर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट अर्न नहीं कर रही है मतलब पैसा नहीं कमा रही है, ठीक है। बहुत से बच्चे हैं, बहुत से लोग ये समझ लेते हैं मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है, ये वही या फिर एक ऐसी प्रक्रिया जो कि क्या कहते हैं मतलब एक संस्था को मैनेज करने के लिए जरूरी है। हाँ जरूरी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उसी संस्था को मैनेज करने के लिए जरूरी है पैसा कमाए, बिल्कुल नहीं। अगर कोई संस्था है, कोई एनजीओ है, या कोई ऑर्फनेज है, ठीक है, या फिर कोई अदर क्या कहते हैं मतलब ओल्ड एज होम है, ठीक है, उसको भी चलाने के लिए, उसको भी आकर आगे बढ़ाने के लिए, जहाँ पैसा कमाना कोई मोटिव नहीं है, वहाँ भी उसको आकर चलाने के लिए हमें मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। मैनेजमेंट
कहीं भी हो किसी भी जगह हो आपको मतलब किसी भी संस्था के लिए आपको मैनेजमेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, बिना मैनेजमेंट के ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ तो बेटा, जैसे अभी तक हमने पढ़ा मैनेजमेंट के बारे में, आपको सामने बोर्ड पे एक पैराग्राफ दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ लिखा है मैनेजमेंट और ये पूरा एक पैराग्राफ एक पूरा लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये पैराग्राफ मैंने पूरा उसका लिखने का एक रीज़न ये है, अगर मैं चाहता तो आपको पैराग्राफ डायरेक्टली आपको वर्बली समझा देता, लेकिन इसको पूरा लिख कर समझाना बहुत ज़रूरी इसलिए है कि जो पैराग्राफ आपके सामने 4-5 लाइन का है, इस पैराग्राफ के अंदर लगभग लगभग अगर मैं बात करूँ तो आपका जो पूरा चैप्टर है, पूरा चैप्टर इस पैराग्राफ के अंदर कवर हो रहा है। ठीक है, और आगे अगर हम और बात करें तो आने वाले 5 चैप्टर का इंट्रोडक्शन इसी पैराग्राफ से है। चैप्टर नंबर फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं, पर चैप्टर 4 से लेके 8 तक जो 5 चैप्टर है, 4, 5, 6, 7, 8, उन 5 चैप्टर का इंट्रोडक्शन इसी पैराग्राफ से हम समझेंगे आगे। ठीक है, तो पैराग्राफ अगर हम पढ़ लेते हैं पहले, क्या लिखा है, मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस। ठीक है, अब पहली लाइन में हमें समझना बहुत जरूरी है, क्या क्या लिखा है ये, मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ, मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है, सीरीज ऑफ इंटरलेट फंक्शंस। ठीक है, अब मैनेजमेंट के अंदर फंक्शंस होते हैं ये समझ में आता है, लेकिन ये दो वर्ड हैं सीरीज और इंटरलेट, इन दोनों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये हमने नहीं समझा तो मतलब हम कहते थे मैनेजमेंट का सही प्रकार से मीनिंग हम नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो इंटरलेट मतलब क्या होता है, जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो, ये आपस में एक दूसरे से रिलेट करते हैं, इसको मैं इंटरलेट बोल सकता हूँ, इंटरडिपेंड ही बोल सकते हैं, आपस में एक दूसरे से संबंध रखने वाले फंक्शंस या फिर आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होने वाले फंक्शंस, उनकी भी क्या सीरीज। अब सीरीज वर्ड का इस्तेमाल करने का यहाँ पे रीजन क्या था, सीरीज इसलिए यहाँ पे इस्तेमाल किया है, फिर यूज किया गया कि जो फंक्शंस आपस में दूसरे के ऊपर डिपेंड है वो एक सीक्वेंस में, एक सीरीज में है, उसको ऊपर नीचे आप बिल्कुल नहीं कर सकते। तो मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है, ऐसे फंक्शन जो आपस में दूसरे के ऊपर डिपेंड है और जो कि कंटिन्यूस ऑर्डर में है। ठीक है, दैट आर परफॉर्म बाय ऑल मैनेजर्स। ठीक है, और इन फंक्शंस को सारे मैनेजर्स मिलकर परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एग्जांपल दिया है, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पैराग्राफ है वो कुछ चीज़ों का आपको बताएगा, किन को बताएगा, वो बताएगा आपके फंक्शंस को, कौन से फंक्शंस, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, अब फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हमको यहाँ से मालूम पड़ेंगे। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हमें यहाँ मालूम पड़ेंगे, तो पहला फंक्शन मैनेजमेंट का, चलिए देखो क्या लिखा है, मैनेजर्स हैव टू प्लान द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ करेंगे आप लोगों के लिए, मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है, एक सीरीज होती है किसकी, आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होने वाले फंक्शंस की, जो कि जो सीरीज है, जो फंक्शन है, वो परफॉर्म किए जाते हैं मैनेजर के द्वारा। ठीक है, अब एग्जाम्पल के रूप में मैनेजर उन फंक्शन को परफॉर्म कैसे करता है, मैनेजर हैव टू प्लान द ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म। सबसे पहला काम क्या होगा, जैसे मैनेजर का संस्था खोली या इंस्टीट्यूशन का अपन ने शुरू किया, पहला काम क्या होगा, उस इंस्टीट्यूशन का, उस संस्था का, उस फर्म के ऑब्जेक्टिव को प्लान करना। तो आपका यहाँ से इस लाइन से आपका पहला फंक्शन निकल कर क्या आता है, मैनेजमेंट का प्लानिंग। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, ऑर्गेनाइज रिसोर्सेज टू अचीव दैट ऑब्जेक्टिव। मान लीजिए किसी मैनेजर ने किसी भी संस्था के लिए एक ऑब्जेक्टिव बना लिया कि मुझे पूरे साल भर के अंदर 1000 यूनिट प्रोड्यूस करना है, 1000 यूनिट बनाना है, यूनिट कह दो या फिर कोई भी चीज कह दो, कमोडिटी कह दो, आइटम कह दो। ठीक है, 1000 आइटम है, 1000 यूनिट मुझे पूरे साल भर के अंदर बनाना है, तो इसमें क्या हो गया, उसका टारगेट हो गया, और इसमें ये डिसाइड कहाँ किया जाएगा, प्लानिंग फंक्शन के अंदर किया जाएगा। अगर हम आगे बात करें तो आगे क्या लिखा, ऑर्गेनाइज रिसोर्सेज टू अचीव दैट ऑब्जेक्टिव, वो जो ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया गया था 1000 यूनिट का, उसको अचीव करने के लिए अगला काम क्या होगा मैनेजर का, ऑर्गेनाइज रिसोर्सेज, उस ऑब्जेक्टिव को, उस टारगेट को, उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए, अचीव करने के लिए रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज किया जाए। तो अगला हमारा फंक्शन क्या होगा, ऑर्गेनाइजिंग। ठीक, नेक्स्ट आगे बात की जाती है, अच्छा एक चीज और, इस चैप्टर के लगभग लास्ट में, ठीक है, लास्ट से थोड़ा पहले, हम अभी जो फंक्शंस लिख रहे हैं ना, ये सर आपको ये इन 5 फंक्शंस का इस पैराग्राफ के जरिए आपको इंट्रो दिया गया है। ठीक है, ये आपको फंक्शंस पूरे समझाए नहीं जा रहे हैं, इस पूरे फंक्शंस का हम डिटेल्ड में चैप्टर क्लास में हम जब टॉपिक आ गया जब पढ़ेंगे। ठीक है, आगे का लिखा है फिर कि मैनेजर को प्लान करना पड़ता है ऑब्जेक्टिव को, और उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, रिक्रूट एंड सिलेक्ट एम्प्लॉयज हु कैन इम्प्लीमेंट दीज ऑब्जेक्टिव। रिक्रूट करना और सिलेक्ट करना किसको, एम्प्लॉयज को, जो कि उस ऑब्जेक्टिव को, सॉरी हाँ, जो कि उस ऑब्जेक्टिव को इम्प्लीमेंट कर सके। अभी जो दो वर्ड है रिक्रूट और सिलेक्ट, इन दोनों वर्ड से तीसरा फंक्शन हमारा बनता है यहाँ पे, वो बनता है
स्टाफिंग स्टाफिंग कैसे बनता है? रिक्रूट का मतलब होता है भर्ती करना या भर्ती निकालना, ठीक है। सिलेक्ट का मतलब होता है जिन लोगों के लिए भर्ती निकाली है उसमें से जो हमारे काम के हैं या जिन्हें जो हमारे संस्था के लिए कैपेबल है उन्हें क्या करना, सिलेक्ट करना, ठीक है। हु कैन इम्प्लीमेंट द ऑब्जेक्टिव, अगला फिर काम क्या हो, लोग हमने हमारे पर हायर कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। अगला नेक्स्ट हमारा काम क्या होगा, गिविंग डायरेक्शन, ठीक है, उनको डायरेक्शन देना कि काम कैसे करना है, किस प्रकार से काम करना है, उनसे कम्युनिकेट करना, उनसे मिलना, उनसे बातें करना, उनको पूरा काम समझाना, उनको काम करने के लिए मोटिवेट करना जिससे को ज्यादा आउटपुट ज्यादा काम हमें निकाल कर दे। तो चौथा फंक्शन हमारा मैनेजमेंट का क्या होगा, आपका डायरेक्टिंग, ठीक है। और डायरेक्टिंग में एम्प्लॉयज को देने के बाद, उनको मोटिवेट करने के बाद, ठीक है, और एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखना कि जो काम की करवाया जाए वो काम कैसे करवाया जाए, efficiently और effectively। अब ये दोनों टर्म है ना, effectively efficiently, ये जस्ट ये टॉपिक खत्म करके आगे हम पढ़ेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट का एस्पेक्ट भी कहा जाता है इनको, मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है समझना इनको, ठीक है। काम कैसे करवाया जाए इफेक्टिवली और efficiently, मतलब सही, अभी इतना समझ लीजिए, सही प्रकार से काम करवाया जाए, आगे हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। एंड अल्टीमेटली यानी एट लास्ट चेकिंग वेदर एवरीथिंग इज गोइंग एज पर प्लान और नॉट, एट लास्ट ये चेक करना कि सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। कौन सा प्लान, जो यहाँ बना था स्टार्टिंग में मैनेजर टू प्लान, ठीक है, जो प्लान किया था ऑब्जेक्टिव उससे अकॉर्डिंग सारा काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये एट लास्ट चेक करना। तो ये आखिरी में जाके प्लान के अकॉर्डिंग काम हो रहा है या नहीं हो रहा है उसको चेक करने को हम क्या कहते हैं, कंट्रोलिंग, क्या कहेंगे इसको, कंट्रोलिंग। तो इस प्रकार से ये आपके पांचों क्या है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में बनता ही बनता है, इन पांचों क्वेश्चंस, पांचों फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट से, ठीक है। अभी हमने इस पांचों फंक्शंस को बहुत ही शॉर्ट वे में, ठीक है, पढ़ा है, आगे पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन इसका पढ़ेंगे। और इन पांचों फंक्शन को मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरा बताने का बेटा कारण सिर्फ इतना सा था कि ये पांचों फंक्शन है ना, ये आपकी लगभग 40% आपके बिजनेस की बुक को कवर करते हैं क्लास 12th की। कितना परसेंट, 40%। क्यों, क्योंकि चैप्टर नंबर फर्स्ट तो हम पढ़ रहे हैं, इसका नाम क्या, नेचुरल सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। चैप्टर नंबर सेकंड निकल जाएगा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, चैप्टर नंबर थर्ड बिजनेस एनवायरमेंट वाला निकल जाएगा, उसके बाद चैप्टर नंबर कौन सा, फोर प्लानिंग है आपका, चैप्टर नंबर फाइव आपका ऑर्गेनाइजिंग है, चैप्टर नंबर सिक्स स्टाफिंग, चैप्टर नंबर सेवन आपका डायरेक्टिंग, चैप्टर नंबर एट आपका कौन सा है, कंट्रोलिंग, ठीक है। तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आपके लगातार पांच चैप्टर कवर हो रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद भी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर आगे वाले चैप्टर भी कुछ हद तक रिलाई रहेंगे, चैप्टर नंबर सेकंड भी रिलाई रहेगा, फर्स्ट भी उसके ऊपर ही पूरा डिपेंड है। तो लगभग लगभग काफी सारे चैप्टर्स हमारे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर क्या है, डिपेंड है। तो बेटा देखा आपने क्या कि पांचों फंक्शंस हैं, ये क्या है, मैनेजमेंट के सबसे मेन इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। ऐसा नहीं कि मैनेजमेंट के पांच फंक्शन अगर पूरे कर दिए तो अपना काम पूरा होगा, नहीं, मैनेजमेंट को और भी फंक्शंस हैं, पर अभी सबसे मेन जो फंक्शन है वो क्या है, ये पांचों हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग। अब सबसे स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी, क्या बताई थी कि एक डेलिबरेट प्रोसेस, ठीक है, ए डेलिबरेट प्रोसेस फॉलोड बाय मैनेजर टू अचीव द गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या फिर टू अचीव द गोल ऑफ इंस्टीट्यूशन, ठीक है, एक ऐसी प्रक्रिया जो कि जानबूझकर मैनेजर के द्वारा क्या की गई हो, फॉलो की गई है, अगर अपनाई गई है, अगर उसको क्या कहते हैं, मतलब लागू किया गया हो, किसके लिए, संस्था के टारगेट को अचीव करने के लिए, ठीक है। तो वो प्रोसेस कौन सी थी, वो प्रोसेस मैनेजमेंट की थी, लेकिन मैनेजमेंट की प्रोसेस कौन सी होती है, ये मैनेजमेंट की प्रोसेस आपकी यही वाली होती है, इसको आप मैनेजमेंट प्रोसेस भी क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं। तो हमने स्टार्टिंग में जो पढ़ा था कि डेलिबरेट प्रोसेस फॉलोड बाय मैनेजर, ठीक है, मैनेजर के द्वारा एक प्रक्रिया जो कि जानबूझ के फॉलो की गई है, उसको हम क्या कहेंगे, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कहेंगे, या फिर क्या कहते हैं, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कौन से प्रोसेस है, उस प्रोसेस का नाम कौन सा है, यहाँ आपको ऊपर लिखा है मैनेजमेंट, ठीक है। अब मैनेजमेंट के अंदर भी क्या होता है बेटा कि इन पांचों फंक्शंस को एक मैनेजर जानबूझ के फॉलो करता है, लेकिन क्या होता है कि मैनेजमेंट के अंदर भी क्या लेवल्स होती हैं, क्या होती है, मैनेजमेंट के अंदर भी लेवल होती है। अब मैनेजमेंट की लेवल्स को समझना बहुत जरूरी है, हालांकि हम जब चैप्टर को डीप में पढ़ेंगे तो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट का नाम से पूरा टॉपिक है आपका, ठीक है, लेकिन अभी शॉर्ट में स्टार्टिंग में समझ लें चैप्टर हमसे आगे जाके चाह क्या रहा है, ठीक है। तब लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के अंदर क्या है, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट आपकी तीन होती है, कितनी होती है, तीन होती है, ठीक है। पहला आपकी जो लेवल है मैनेजमेंट की, वो कौन सी है,
टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, सेकंड आपकी कौन सी है, मिडिल लेवल, ठीक है, और थर्ड आपकी कौन सी है, लोअर लेवल, ठीक है। टॉप लेवल मैनेजमेंट सबसे ऊपर, मिडिल बीच में, लोअर सबसे नीचे, ये समझ में आ रहा है, ठीक है। अब टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल होता क्या है, उसको आगे हम डिटेल में जो टॉपिक है जब पढ़ेंगे, अभी ये समझ लीजिए। टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर कौन लोग रहेंगे, टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर रहेंगे वो सभी लोग जो कि संस्था को चलाने के लिए जिम्मेदार है, यहाँ पे संस्था के हेड रहेंगे टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर, ठीक है। मिडिल लेवल मैनेजमेंट के अंदर कौन रहेंगे, मिडिल लेवल मैनेजमेंट के अंदर वो लोग रहेंगे जिनको टॉप लेवल वालों ने रिक्रूट करा है इनके हेड के रूप में, ठीक है, जिनको टॉप लेवल वालों ने क्या करा है, रिक्रूट करा है इनके हेड के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट पे क्या होता है, यहाँ पे जो, अच्छा लोअर लेवल पे कौन रहेंगे, वर्कर्स, तो लोअर लेवल पे जो काम करने वाले वर्कर्स है, उन वर्कर्स के हेड के रूप में डिपार्टमेंटल मैनेजर नाम दिया जाता है इनको, क्या नाम दिया इनको, डिपार्टमेंटल मैनेजर। ये डिपार्टमेंटल मैनेजर कहाँ रहेंगे, मिडिल लेवल पर रहेंगे, जो कि लोअर लेवल के हेड बन के रहेंगे, ठीक है। लोअर लेवल पे कौन रहेंगे, वर्कर्स, और वर्कर्स के ऊपर उनके सुपरवाइजर्स, ठीक है, या ऑपरेटिव मैनेजर, ये कहाँ रहेंगे, आपके लोअर लेवल पर रहेंगे, ठीक। तो ये प्लान, अच्छा इसका भी जो काम होता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये भी लेवल वाइज होता है ना। टॉप लेवल पर अलग मैनेजर रहेंगे, मिडिल लेवल पे मैनेजर अलग रहेंगे, लोअर लेवल पर अलग रहेंगे। जो टॉप लेवल के मैनेजर्स है ना, वो दो काम करेंगे, कौन सा, एक तो प्लानिंग का और एक ऑर्गेनाइजिंग का, ठीक है। या फिर कुछ कुछ संस्थाओं के अंदर सिर्फ प्लानिंग टॉप लेवल के द्वारा की जाती है, ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग किसके द्वारा की जाएगी, आपकी मिडिल लेवल के द्वारा की जाएगी, ठीक। और यहाँ पर क्या होगा, कुछ संस्थाओं के अंदर टॉप लेवल पे आ जाते हैं, प्लानिंग भी होगा, ऑर्गेनाइजिंग भी होगा, कुछ संस्थाओं में सिर्फ स्टाफिंग मिडिल में होगा, और डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग लोअर लेवल पे काम रहेगा। खैर हम डिटेल में आगे जब पढ़ेंगे तो समझेंगे कौन सा लेवल पे कौन सा काम होता है, पर हाँ अभी इतना समझ लें कि 5 फंक्शन होते हैं मैनेजमेंट के, 3 लेवल होती है, तीनों अलग अलग लेवल पर अलग अलग फंक्शन परफॉर्म होते हैं। ऐसा नहीं कि टॉप लेवल पे 5 फंक्शन परफॉर्म हो जाएंगे, पर मिडिल और लोअर का काम ही किया है ना, ऐसा भी नहीं मिडिल पे 5 हो या लोअर 5 हो, नहीं, कुछ फंक्शन या कुछ फंक्शन या कुछ फंक्शन है, कौन सा फंक्शन कहाँ परफॉर्म होगा आगे हम डीप में चैप्टर में पढ़ेंगे। और ऐसा जरूरी भी नहीं है कि क्या कि जैसा बुक में लिखा है वैसे, अगर रियल लाइफ के अंदर हम चाहे तो हमारे अकॉर्डिंग फंक्शंस को ऊपर नीचे या फिर अपने अकॉर्डिंग परफॉर्म कर सकते हैं संस्था के अंदर, ऐसा होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि हर फंक्शन हर अलग अलग लेवल पे अलग अलग तरीके से परफॉर्म किया जाता है। अब अगर आगे की हम बात करें, ठीक, तो एक डेफिनेशन आपको मैं यहाँ पे लिखता हूँ जो कि बहुत जरूरी है। जैसा मैंने आपको क्या कहा अभी कि हम अब डेफिनेशन पढ़ते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डेफिनेशन को लगभग लगभग हम समझ भी चुके हैं, वैसे ऐसा कुछ खास नहीं है इसके अंदर, पर जो दो टर्म्स हमने जो छोड़ दिए पहले नहीं पढ़ते वो पढ़ना बहुत जरूरी है डेफिनेशन के जरिए, ठीक है। डेफिनेशन क्या बेटा, ये मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स या वर्क डन, ठीक है। मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस है, क्या है मैनेजमेंट, एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, किस चीज की, गेटिंग थिंग्स या वर्क डन, मतलब काम को या किसी भी वर्क को या थिंग को, ठीक है, पूरा करवाने की एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, ठीक है। अब काम को तो पूरा करवाना, साथ में क्या लिखा है, विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स, ठीक है। और यहाँ पे उद्देश्य क्या रहता है कि हमारा जो गोल है, हमारा टारगेट है, हमारा जो उद्देश्य है वो क्या हो, अचीव हो, ठीक है। और लेकिन टारगेट भी अचीव हो जाए, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग आपको बताया था एग्जाम्पल, देखिए कि मैंने एक कंपनी खोली, कंपनी खोलते मैंने टारगेट बनाया क्या कि मुझे 1000 यूनिट का क्या करना है, प्रोडक्शन करना है, ठीक है, 1000 यूनिट क्या करना है मुझे बनाना है, ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा टारगेट या फिर गोल हो गया, ठीक है। अभी टारगेट है गोल तो मैंने बना लिया 1000 यूनिट, लेकिन इसको अचीव तो करना, लेकिन अचीव कैसे करना, ये दो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। अब इनका इंपॉर्टेंट होने का सबसे जो मेन कारण क्या हो जाता है, इसका कारण ये हो जाता है क्योंकि कई बार एग्जाम में सिर्फ इन दो टर्म्स को, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली को 3 मार्क्स में पूछा गया है, ठीक है। तो हम अब यहाँ पर हमने 3 अंडरलाइन करी, क्या, मैनेजमेंट क्या है, प्रोसेस है, प्रक्रिया है किसी भी काम को पूरा करने की, करवाने की, ठीक है, मैनेजर के द्वारा, कौन करवाया काम पूरा, मैनेजर, तो मैनेजमेंट कौन करेगा, मैनेजर करेगा ना। मैनेजमेंट का एक प्रक्रिया है किसी भी काम को पूरा करवाने की, किनसे पूरा करवाने, अपने वर्कर्स से, ठीक है, क्योंकि मैनेजर काम क्या होगा, मैनेजमेंट करना, वर्कर क्या करेंगे, उस काम को पूरा करेंगे गोल्स को अचीव करने के उद्देश्य से, इफेक्टिव एफिशिएंटली। जो पहली अंडरलाइन है वो क्या है, प्रोसेस। अब इस प्रोसेस का मतलब क्या होता है,
अभी हमने पहले ही पढ़ा बेटा, जैसे पैराग्राफ पढ़ा उसमें स्टार्टिंग में पढ़ा कि मैनेजमेंट क्या है, एक सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शन, ठीक है। तो इसको हम प्रोसेस वर्ड का इस्तेमाल करने का उद्देश्य बस खाली यही है कि मैनेजमेंट क्या है, एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया से क्यों बोला, जो एक प्रोसेस का मतलब क्या होता है, प्रोसेस का मतलब होता है किसी भी काम को करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका, है ना। एक होता है तरीका और एक होता है स्टेप बाय स्टेप तरीका, इसको हम ऊपर नीचे नहीं कर सकते, इसलिए इसको प्रोसेस बोला है। क्या यहाँ पर मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है, स्टेप्स फॉलो की जाती है, क्या की जाती है, स्टेप्स फॉलोड फॉर डूइंग एनी टास्क, ठीक है, किसी भी काम को करने के लिए स्टेप्स फॉलो करना, ठीक है, या फिर सीरीज या फिर सीक्वेंस को फॉलो करना, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका प्रोसेस हो जाएगा। अगला जो अंडरलाइन हमारा है वो क्या है आपका इफेक्टिवली, इसको समझना क्या है बहुत जरूरी है। इफेक्टिवली का मतलब क्या होता है, अभी तक हम क्या होता था कि हमने पढ़ा इफेक्टिवली एफिशिएंटली, मतलब हाँ इसका मतलब ये हुआ कि हाँ सही तरह से काम करना, ठीक तरह से काम करना, पूरा काम करना, ये सब तो मीनिंग होता ही है इसका, लेकिन साथ में इफेक्टिव, व्हाट डू यू मीन बाय बीइंग इफेक्टिव, इफेक्टिव होने से आप क्या समझते हैं, या फिर इफेक्टिवली वर्ड से टर्म्स हम समझते हैं क्या है। तो इफेक्टिवली का मतलब क्या होगा बेटा, काम को पूरा करना, सबसे पहला तो क्या होगा काम को पूरा करना, लेकिन यहाँ पे मेन फोकस किस पे रहेगा, मेन फोकस यहाँ पे रहेगा किसके ऊपर, टाइम पर, दिए गए टाइम पर काम को पूरा करना। फॉर अ सेकंड एग्जांपल लेते हैं, एक किसी मैनेजर ने अपने वर्कर को काम दिया, क्या काम दिया कि आपको 4 दिन के अंदर 2000 यूनिट का प्रोडक्शन करना है, ठीक है। अब उस वर्कर ने अगर 4 दिन के अंदर 2000 यूनिट का प्रोडक्शन अगर कर दिया, क्या हुआ, वर्कर ने अगर 4 डेज के अंदर अगर 2000 यूनिट उसने क्या हुआ प्रोड्यूस कर दी, तो क्या उस वर्कर को हम क्या कहेंगे, इफेक्टिव, ठीक। मतलब इफेक्टिवनेस का सीधा सा काम तो पूरा होना है, मैं फिर रिपीट करूंगा, इफेक्टिवनेस मीन्स टाइम सिर्फ नहीं, काम तो पूरा होना है, लेकिन क्या टाइम पर काम अगर पूरा हुआ तो इफेक्टिव है। अगर 5वें दिन में अगर 2000 यूनिट बना रहा है ना, इसका मतलब वर्कर इनइफेक्टिव है, वहां पर इफेक्टिवनेस का कॉन्सेप्ट क्या है, लैक हो रहा है, मतलब इफेक्टिवनेस का कॉन्सेप्ट अप्लाई वर्कर नहीं कर रहा है, वर्कर इनइफेक्टिव है, ठीक है। काम को पूरा करना, सही समय पर पूरा करना, दैट इज कॉल्ड एज इफेक्टिव, ठीक। अगला हमारा क्या है, efficiency, efficiently के अंदर क्या होगा, main focus किस पे होगा यहाँ पर, optimum utilization of resources पर, किस पे होगा, optimum utilization of रिसोर्सेस का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना। अब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन मतलब क्या होता है, पूरी हद तक पूरी तरह उसका इस्तेमाल करना, उसका बिल्कुल भी आ कहते हैं वेस्ट ना करना, इसका तो ये भी कर दिया गया, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं, नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को बिल्कुल भी वेस्ट ना करना, ठीक है, उसको पूरी तरह इस्तेमाल करना, इट इज कॉल्ड एज एफिशिएंटली। मतलब क्या, किसी वर्कर को कहा गया, कुछ रिसोर्सेज दिए गए उसको कि ये आपका सामान है, इतने वर्कर्स आपको दिए जा रहे हैं, फिर इतने आपको मतलब क्या कहते हैं काम आपको दिया जा रहा है, या तो रॉ मटेरियल दिया जा रहा है, तो वर्कर उस पूरे रॉ मटेरियल को बिना वेस्ट किए, बिना एक भी दाना है, बिना क्या कहते हैं एक भी आपको उसका मतलब कंपोनेंट वेस्ट किए, पूरा काम पूरा मतलब अचीव कर ले, उसको हम क्या कहेंगे, वर्कर क्या है, एफिशिएंट है, ठीक है। तो एफिशिएंट का मतलब क्या होगा कि मिनिमम कॉस्ट, कम से कम खर्चे में, ठीक है, क्या करे वर्कर, कम से कम खर्चे में काम को पूरा कर ले, या फिर रिसोर्सेस को या कहते वेस्ट ना करते हुए काम को पूरा कर ले, दैट इज कॉल्ड एज एफिशिएंसी, ठीक है। अब दोनों को अगर हम जोड़ें तो क्या होगा, कोई भी एक वर्कर या कोई भी एक मैनेजर या कोई भी कहते हैं पर्सन किसी भी काम को पूरा करे, समय रहते पूरा करे, इफेक्टिव, कम से कम वेस्टेज करे रिसोर्सेज का, बिल्कुल वेस्टेज ना करे, कम से कम खर्चा हो, इट विल बी कॉल्ड एज एफिशिएंट। तो बिजनेस के अंदर या मैनेजमेंट के अंदर दोनों का जुड़ना, दोनों का जुड़ना जरूरी है। ये संभव नहीं है कि एक वर्कर इफेक्टिव है तो काम चल जाएगा, या सिर्फ एफिशिएंट है तो काम चल जाएगा। फॉर एग्जांपल के तौर पे यदि किसी वर्कर को मैं फिर वो एग्जांपल लूंगा क्या कि 4 दिन दिए गए 2000 यूनिट बनाने के लिए, ठीक है, 4 दिन दिए 2000 यूनिट बनाने के लिए, और साथ में उसको क्या बोला
कि इसको इन 2000 यूनिट को बनाने के लिए हम आपको फंड दे रहे हैं, कितने का? 1 लाख रुपए का। क्या दे रहे हैं? 1 लाख रुपए का फंड दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं आपको, ठीक है। अब उस वर्कर ने क्या करा कि 4 दिन में 2000 यूनिट बना दी। तो हम क्या बोलेंगे कि सर आपने बताया ना टाइम सेंटर्ड है ना, टाइम के अकॉर्डिंग 4 दिन में 2000 यूनिट बना दी, इसका मतलब क्या, ये वर्कर जो है इफेक्टिव तो हो गया। लेकिन आगे समझो और कि उसको जो 1 लाख रुपए दिए थे, अब वो आ गए थे चौथे दिन आके बोलता है कि आपने 1 लाख रुपए दिए थे, वो तो क्या कहते हैं मतलब 1 लाख तो खर्च हो गए, साथ में आ गए थे 20,000 रुपये और मेरे जेब से मिला के खर्च करे, मतलब मेरा जो बजट गया वो कितने पर गया, 1,20,000 पर गया है। इसका मतलब साफ क्या है कि उस वर्कर ने अगर देखा जाए तो 20,000 रुपये का ज्यादा खर्चा करा, मतलब 20,000 के सोर्स क्या करे उसने ज्यादा लगाए, ठीक है, अपना काम को करने के लिए। अब जब वो 20,000 का ज्यादा उसने रिसोर्स लगाए, मतलब रिसोर्स को उसने वेस्ट किया होगा, कुछ ना कुछ गलती करी होगी, तभी तो लगा ना 20,000 के ऊपर। इसका मतलब यहाँ पे क्या, वो एफिशिएंट नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, मैनेजमेंट सही प्रकार से नहीं होगा, काम सही प्रकार से नहीं हो पाएगा। तो एक वर्कर का दोनों होना जरूरी है, इफेक्टिव होना जरूरी है और एफिशिएंट होना जरूरी है। उसी प्रकार से अगर कोई वर्कर है, ठीक है, उसको हमने 1 लाख रुपए दिए कि भाई तू जल्दी काम पूरा कर दे, 2000 यूनिट बना दे 4 दिन के अंदर, ठीक है, तो उसने क्या करा 1 लाख रुपए में बना तो दिए, ये बन ये कह लो क्या करा उसने, 1 लाख के बदले उसने क्या करा 90,000 में बना दिए, सर कि 10,000 को वापिस लो, मैं तो 90,000 में बनाकर ले आया। लेकिन वो बना के ला रहा है कब, 6 दिन के बाद। कब ला रहा है बना के, 6 दिन के बाद। इसका मतलब टाइम कितना दिया था हमने उसको, 4 दिन, बनाए कब ला रहा है वो, 6 दिन के बाद। इसका मतलब वो व्यक्ति क्या है आपका, इफेक्टिव नहीं है, तो वहां भी काम नहीं चलेगा। काम का पूरा होना लेकिन लेट पूरा होना, किस काम का वो काम फिर, है ना। तो दोनों जरूरी है, इफेक्टिवनेस भी जरूरी है, एफिशिएंसी भी जरूरी है। इन शॉर्ट समझे, इफेक्टिवनेस क्या है, टाइम से काम का पूरा होना, टाइम रहते काम का पूरा होना, ठीक है। एफिशिएंसी क्या है, काम का पूरा होना, लेकिन काम किस प्रकार से पूरा होगा, यहाँ पे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। यहाँ पे काम किस प्रकार से पूरा होगा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का पूरी हद तक इस्तेमाल करना, इसके अंदर बिल्कुल भी क्या होना, इसका वेस्ट ना होना, ठीक है। तो दोनों ही टर्म बेटा क्या है, बहुत जरूरी है। आज हमने स्टार्टिंग, इसको हम आज के वीडियो लेक्चर को यहीं तक रखेंगे, ठीक है। अब हमने आज स्टार्टिंग से पढ़ा क्या, सबसे पहले हमने मीनिंग पढ़ा किसका, मैनेजमेंट का। तो मैनेजमेंट का मीनिंग क्या था, डेलिबरेटली कोई भी मैनेजर एक प्रोसेस को फॉलो करे अपने गोल को अचीव करने के लिए, विल बी कॉल्ड इज व्हाट, मैनेजमेंट, ठीक है। आगे हमने पढ़ा मैनेजमेंट का पूरा मीनिंग पढ़ने के बाद हमने पढ़ा क्या कि मैनेजमेंट का पूरा पैराग्राफ लिखा, उस पैराग्राफ के अंदर हमने आगे तो डिटेल्ड में समझा कि मैनेजमेंट के अंदर 5 फंक्शन होते हैं, 5 फंक्शन का इंट्रोडक्शन समझा कि प्लानिंग क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, स्टाफिंग क्या होता है, डायरेक्टिंग क्या होता है, लास्ट कंट्रोलिंग क्या होता है, डिटेल में आगे चैप्टर क्लास में पढ़ेंगे, ठीक। उसका हमने क्या करा, एक दो बहुत ही नए और बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट हमने पढ़े मैनेजमेंट के अलावा, मैनेजमेंट का एस्पेक्ट्स के अंदर, वो कहते हैं इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। प्रोसेस तो कॉन्सेप्ट नहीं है, कुछ भी बताया गया कि मैनेजमेंट प्रोसेस है, इसलिए प्रोसेस को सुनो, बस एक एक प्रकार से एक्सप्लेन किया गया है। इफेक्टिवली एफिशिएंटली पढ़े, अब इफेक्टिवली और एफिशिएंटली को पढ़ना समझना बहुत जरूरी है। आपको अभी तक लग रहा हो कि दो वर्ड के ऊपर हमने इतना बड़ा लेक्चर दे दिया, पर लेक्चर नहीं है, इसको पढ़ना समझना इसलिए बड़ा बहुत जरूरी रहता है, क्योंकि दोनों ही वर्ड से, टर्म से कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ गया, व्हाट डू यू मीन बाय इफेक्टिवनेस अंडर मैनेजमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय एफिशिएंसी अंडर मैनेजमेंट, ठीक है, 1-1 मार्क्स में क्वेश्चन आए, कई बार इनके ऊपर केस स्टडी बनकर आ गई है, ठीक है। इफेक्टिवली एक वर्कर को काम दिया गया, उसने ये काम 4 दिन में दिया गया, पर उसने 6 दिन में काम पूरा किया, बताइए मैनेजमेंट का कौन सा एस्पेक्ट उसमें लैक हो रहा है, ठीक है। तो क्या आंसर आएगा, इफेक्टिवनेस, या फिर इफेक्टिव नहीं है वो वर्कर, ये वहां पर आएगा। तो इस प्रकार से 3 मार्क्स का क्वेश्चन बने हैं इस छोटे से कॉन्सेप्ट, जिसको इतना बड़ा समझाना बहुत जरूरी हो गया था, ठीक है। तो आज के लिए बेटा इतना काफी है, इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी हमने पढ़ लिया, कल से हम शुरू करेंगे फैकल्टी का, कल से हमारा जब भी आपके पास नेक्स्ट वीडियो लेक्चर रहेगा बिजनेस स्टडी का, उसमें हम शुरू करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव एंड फर्दर हम पूरा चैप्टर हम पूरा करेंगे। अभी बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, जितना समझाया है उसको आप क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे, नोट डाउन करना इसको रिपीट करेंगे, इसको मतलब जिस तरह हम स्कूल में पढ़ रहे हैं तो उसी तरह लेंगे, है ना। आप लोगों के लिए वीडियो लेक्चर बनाने का रीजन यही है, वरना चाहते डायरेक्टली आपको नोट्स भेज देते या कुछ भी लिख के भेज देते, पर पूरा वीडियोग्राफिक बनाने का रीजन ही था ताकि आप लोगों को समझ में आए और आप लोगों को अच्छे से रहे, ठीक है। ध्यान रखें अपना बेटा, घर पर ही रहें, सेफ रहें और बस अच्छे से पढ़ें, है ना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।